हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जो आपको टॉपिक कराने वाला हूँ वो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस पे एक्सपेरिमेंट है, जो आपका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है। उसके बारे में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट के बारे में डिटेल है। यहाँ पे तीन वेट्स लिए हैं मैंने। तीन वेट्स इसलिए लिए हैं, पहला वेट तो ये है कि जो पी वन फोर्स को डिनोट करेगा पी वन, और ये वाला डिनोट करेगा पी टू को। इसी तरह जैसे हमने पहले भी वीडियो में देखा था, उसी तरह है कि एक फोर्स यहाँ पे, एक फोर्स यहाँ पे, और ये जो फोर्स ऊपर निकलेगी ये होगी रिजल्टेंट, और उसको बैलेंस करने के लिए नीचे मैं जो लोड लगाऊंगा वो होगा बैलेंसिंग फोर्स होगा। तो अब लगा के देखते हैं हम। थोड़ा सा सिंपल है, ये हमारे पास वेट्स हैं। ये जो है ये 50 ग्राम का वेट है, ये भी 50 ग्राम का वेट है। तो मैं दोनों तरफ 50-50 ग्राम का वेट डालता हूँ। यहाँ पे मान लो 50 ग्राम का वेट, और यहाँ पर भी मैं 50 ग्राम का वेट डालता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास कुछ इस तरह से है। ठीक है, यहाँ पे है ये 50 ग्राम का वेट। तो अभी देखिए ये चीज़ ऊपर उठा रहा है इसे, ठीक है। ये जो फोर्स ऊपर उठा रही है इसे वो है रिजल्टेंट, और जो मैं नीचे फोर्स लगा रहा हूँ वो है बैलेंसिंग फोर्स है। तो मैं इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे लोड लगाना पड़ेगा मुझे, जो इसका बैलेंसिंग फोर्स होगा वो ये होगा। तो इसलिए मैं लोड लगाता हूँ। तो अभी ये देखिए बैलेंस हो रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लोड बढ़ाता हूँ तो मुझे दूसरी तरफ भी लोड बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं अगर यहाँ पे लोड बढ़ाता हूँ देखिए, और यहाँ पे मुझे लोड बढ़ाना है। देखिए एक चीज देखना कि अगर ये फोर्स ज्यादा है तो ये चीज इधर खिसक रही है, ठीक है। ये फोर्स ज्यादा तो इस तरफ जा रही है क्योंकि रिजल्टेंट इस तरफ जाएगा। अगर मैं इस तरफ भी बैलेंस कर देता हूँ, दोनों बराबर कर देता हूँ, ये सेंटर में आना शुरू हो जाएगा। ये देखो ये सेंटर में आएगा और सेंटर से ऊपर खिसक रहा है, और इसको बैलेंस करने के लिए मैं और वेट यहाँ पे डालूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बैलेंस हो गया, और इसको समझाने के लिए हम एक स्केल लेंगे, ठीक है। स्केल की मदद से ये चीज काम करेंगे। अगर ये देखिए, ठीक है, तो आपका सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे देखा, आप लिखा लिए। तो सबसे पहला पॉइंट है कि यहाँ पे एक आप सेंटर पॉइंट लेंगे जहां पे ये चीज पॉइंट आउट कर रहा है, और इसके साथ साथ आप क्या करेंगे, इसके साथ साथ डॉटेड डॉट्स लगा देंगे, और यहाँ पे इसके साथ साथ डॉट्स लगा देंगे जो पी वन और पी टू फोर्स को डिनोट करेगा, और यहाँ पे बैलेंसिंग फोर्स का दिखा देंगे। अगर मान लीजिए ये 100 न्यूटन है, ठीक है, ये 100 न्यूटन है और ये भी 100 न्यूटन है, ठीक है, हम मान लेते हैं, लेकिन ये ग्राम्स में है, हम इसको मान लेते हैं 100 न्यूटन। वैसे जो है जो वेट होता है वो मास इनटू ग्रेविटी होता है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन हम रफ यूज के लिए अभी एक बार ये 100 न्यूटन मान लेते हैं। अगर हम स्केल लेते हैं कि 100 न्यूटन जैसे 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर मान लें, स्केल जो हम स्केल यूज कर रहे हैं वो है कि 10 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है। तो हमारे पास ये है 100 न्यूटन, ठीक है, ठीक है, ये है 100 न्यूटन, ये भी है 100 न्यूटन, ठीक है। तो मैं यहां पे आपको लाइन लगा देता हूं, देखो यहां पे अगर मैं लाइन लगा दूं, तो ये लाइन लगाता हूं जो वो होगी कितनी, 10 सेंटीमीटर की लाइन, इस तरह से 10 सेंटीमीटर की लाइन लगा दूंगा। ये मैं 11 से शुरू करके 1 पर खत्म कर रहा हूं, तो ये यहां पे एरो आ जाएगी यहां तक, तो यहां तक जो है वो है 10 सेंटीमीटर है। इसी तरह इस तरफ भी होगा अपने पास, तो मेरे पास यहाँ पे इस साइड में मैं 10 सेंटीमीटर की लाइन लगाऊंगा, तो मेरे पास यहां से है, सॉरी, ये 10 सेंटीमीटर की लाइन लगा दूंगा। तो हमारे पास दो लाइंस आ चुकी हैं, पी वन और पी टू दोनों आ चुका है। तो मैं इसको कह सकता हूं ये पी वन है और ये पी टू है, मान लेते हैं ये पी टू है, दो फोर्सेस आ चुके हैं। अब बहुत ही आसान है, बड़ा सिंपल है, इसको क्या करना है, आपने इसके पैरेलल एक लाइन खींचनी है, जितनी ये लाइन है उतनी वो लाइन बनानी है। वो कैसे बनाएंगे, इसको मैं साइड कर दूं थोड़ा सा, ठीक है, कम कर देता हूं इसको रेट को ताकि ये साइड हो सके, ठीक है, यहां पे आगे। तो हमारे पास ये वाला जो है इसके पैरेलल लाइन लगानी है,
तो मैं और कलर दूसरा यूज कर लेता हूँ। तो मेरे पास पैरल लाइन लगाने का एक तरीका क्या है कि इसके साथ साथ मैं यहाँ पे लगा के और 10 सेंटीमीटर का एक पॉइंट लगा देता हूँ यहाँ पे लगा देता हूँ, और मेरी ये पैरल जो लाइन है वो यहाँ पे वो भी मेरे पास कितनी आनी चाहिए, 10 सेंटीमीटर की आनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसके साथ साथ 10 सेंटीमीटर की लाइन लगा देता हूँ यहाँ पे जो है वो 10 सेंटीमीटर की लाइन हो जाएगी। तो इसी तरह इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे। तो इसका जो अब डायगोनल निकलेगा, इसका जो डायगोनल होगा वही हमारा रिजल्टेंट होगा। जो हमारा इसका डायगोनल होगा, तो मैं डायगोनल बना देता हूं। तो हमारे पास जो डायगोनल है ये यही हमारा रिजल्टेंट है। ये रिजल्टेंट निकल जाएगा। तो रिजल्टेंट का जो फेस है वो ऊपर की ओर है। अगर मैं इसकी लेंथ देखूं कि लेंथ कितनी है, तो मैं अगर चेक करता हूं तो ये है 14.5। तो 14.5 सेंटीमीटर मेरा क्या निकल रहा है, इसका लेंथ निकल रहा है। तो अगर एक सेंटीमीटर 10 न्यूटन के बराबर है तो 14.5 किसके बराबर होगा, 145 न्यूटन के बराबर। तो जो वो हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट। और अगर बैलेंसिंग फोर्स बनाना है तो आप बिल्कुल इसके ऑपोजिट सेम डायरेक्शन में ऑपोजिट इसके वो लाइन लगा दोगे, वो कितनी होगी, वो भी हमारी होगी 14.5 यहां पर। और ये क्या है, बैलेंसिंग फोर्स, ये है बैलेंसिंग फोर्स। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ आएगा। ठीक है, आपको ये चीज समझ आई है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, और अगर इसमें कोई आपको और ज्यादा समझ चाहते हैं तो कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि और चीजें आप कौन से समझ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।